सारी कहीं आवे आओ तो इस भीतर बालक कहूं आवे ऐसे आओ महाराज भाई बताओ जाओ कि चारा पानी को दिया थे वीडियो बना ले अब ये सही काल से मुंह बांध के साथ परा दे कह दे कि आ फाटन ना इनका तो फिर ढंग से वीडियो बना क्या समस्या है यहाँ बताइए। अरे यहाँ न चारा है न पानी है, गांव के जुनकू व बुद्धा नहीं चारा डाल सुफल भाई। अच्छा तो क्या किया जाए इनके लिए? नहीं आए प्रधान कुछ जो कहा हाँ 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 हो बस हो गया। आओ तुम हम आ जाओ। अच्छा नहीं बताइए भाई कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, करना चाहते हो इनके प्रति? अरे इन्हें चारा आओ तो चारा की व्यवस्था हो होगा करेगा तो कैसे चारे की व्यवस्था होगी? प्रधान हमें देते नहीं आ कुछ ही ना पानी में घूम कर मरे थी पानी घुमाने का कुचारे डाके ये महेश ये जो जानवर बांधे कई दिन से इनको नहीं मिला भोजन पानी? क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। कहाँ निवासी है? यही रति कपुर वाके। क्या समस्या है आपकी? अरे भाई साहब समस्या क्या, सरकार ने ये जो आश्रय गृह बनाए थे इनसे ये लोग रात में लठियाई दे गईया सो हमारे सब लोग खेत चपरे करे जात। दिन में तो बंदी दिखा रहे हैं। अरे तो ये 60-70 रहते हैं, ये तो 20 ही बंदी है। और आधी कहाँ गयी? पता नहीं आधी कहाँ चली गयी, लठियाई दी है। सब चल रही है, सब खेत चल रही है इधर उधर। और सब जने परेशान है? परेशान है ही सब लोग, काम अपना कर रहे हैं, खेतवा रखा है, है सब एक जगह और सब देख रहे हैं इस तरह किस तरह व्यवस्था की करवाएगी प्रधान के द्वारा। आला अधिकारी जो है वो तो कह दिए जाके कि यहाँ ड्यूटी लगाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। चारे के नाम पे केवल 2 बोरा भूसा रखा हुआ है बस बस और कुछ नहीं है। इसकी व्यवस्था कौन करता है? इसकी व्यवस्था क्या प्रधान के अंडर में भी आ रहा है ये काम? प्रधान और आप देख लीजिए कहीं बाउंड्री दिख रही हो इसमें चारों तरफ, बताइए आप चला गांव में। और कोई समस्या है का? समस्या का बताओ भैया, आपका दिक्कत हो रही है? दिक्कत है, हम तो 12 बजे ले गोरू रखा पाओ रात में, हाँ सो नहीं पाते। अरे सो कैसे पाया, जब गोरू जो ना रखवान गए तो जो है सब चर जाए तो हमें तो पूरी ड्यूटी देना पड़ रही। तो यहाँ के देखभाल करने के लिए कोई रखा गया है इधर कहीं? यानी गाय कोई देखते है का, कर्मचारी है कोई का? कर्मचारी है, ग्राहक कर्मचारी की क्या व्यवस्था करवाएगी प्रधान द्वारा पूछो। आप यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ। क्या गांव वाले कहते हैं रात में ढील दी जाती हैं? हम तो जब अपने भाई ड्यूटी जब तक रहते तब तक यहाँ बांध के रखते हैं। अच्छा कितने बजे तक ड्यूटी करते हैं? हमारी यहाँ 6 बजे से 1 बजे तक है ड्यूटी। अच्छा नाम क्या है आपका? उग्रसेन। उग्रसेन कहाँ के रहने वाले? असबी। आप अकेले है और कोई है? और एक लड़का है साथ में। अच्छा वो नहीं आया आज? आया है। कहाँ है? से बात कर लो। आप भी भैया यहीं काम करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्री बाबू। श्री बाबू जी। असभी आप भी रहते हैं? नहीं, लाड़पुर सफाई कर्मचारी। लाड़पुर सफाई कर्मचारी। हाँ, कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई 2 लोगों की, टर्न बाई टर्न। और भूसा यहाँ पर कितना आया है? यहाँ पे अभी भूसा तो
दो जाल आया, दो जाल कल आया था, घुसा है लिया रखा है, लेकिन यहाँ भी आ नहीं पाया बरसात की वजह, मौसम में गड़बड़ इस वजह नहीं आ पाया, बस खराब हो जाएगा। और गांव वालों का कहना है कि रात में ढील लेते हैं आप। अब रात में हम तो नहीं ढील देते हैं, इसके बाद हम चले जाते हैं 8 बजे से, तब उसके बाद ढील जाती हूँ, चली जाती। रात में यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं है? हमारी प्राइवेट है, जो कोई नाम तो हमें नहीं पता, प्राइवेट नहीं है यहाँ पे। रात 8 बजे के बाद यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है। जानवर जो है अंडा घूमते हैं, टहलते हैं, चारा खाते हैं, खेत बर्बाद कर रहे हैं। नेकपाल की तरफ से क्या संदेश है? कोई संदेश नहीं, संदेश में इतना है कि यहाँ पूरी चौकबंदी पहले करवाई जाए, इसकी बाउंड्री करवाई जाए, रात में ढील दो, दिन में का नाम बांध लो। नेकपाल क्या कहते हैं? नेकपाल यही कहते हैं कि का नाम करके दिन में बांध लो, रात में ढील दो। अच्छा, हाँ, कर्मचारियों से हमने कहते हुए सुना। अच्छा, नेकपाल आते हैं? नहीं नहीं आया, कई दिन से नहीं आया। अच्छा, मोबाइल भी स्विच ऑफ रखता है।